नमस्ते पब्लिक, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी हम लोग आज आपको न्यू एक्साइटमेंट की तरफ लेके चलते हैं। आज हम लोग आए हैं देसी फिरंगी बरेली में, न्यू रेस्टोरेंट है वहाँ बफेट में। आपको 150 रुपीज़ में ओनली, 150 रुपीज़ में आपको अनलिमिटेड फूड, जिसमें फूड क्या क्या रहेगा वो हम आपको अभी अंदर चल के दिखाएंगे। तो आज हम पेट भर के 150 रुपीज़ में पेट भर के खाना खाएंगे और मौज करेंगे। ये बरेली का फर्स्ट बफे रेस्टोरेंट है, ये फर्स्ट वीडियो है बफे में। तो अब हम चलते हैं। तो गाइस, ये रेस्टोरेंट है, हम लोग आ गए हैं। चलते हैं एक बार रिसेप्शन की तरफ, भैया से बात करते हैं कि यहाँ पर फूड में क्या क्या अवेलेबल है और भैया बताएंगे। हेलो भैया, कैसे हैं? भैया आपके यहाँ अभी हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो 150 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड फूड सर्व कर रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं उसमें? ये एक पनीर की वैरायटी रहती है, okay. चाप की रहती है, okay. और ये आपका राजमा छोले में से, और आपका एक तो उसमें दाल तड़का, एक ड्राई सब्जी रहती है, सीजनेबल भी रहती है। जी जी जी। तो ये मेन्यू चेंज होता रहता है पर डे या फिर सेम रहता है? पर डे चेंज होता है। ओके, तो आप यहाँ पब्लिक आ सकते हैं और अनलिमिटेड फूड का आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे भैया ने बताया तो बहुत सारी वेराइटीज रहती हैं और पर डे वेराइटी चेंज भी होती हैं। तो अब हम लोग आज अपने लिए 150 रुपीज़ में बफेट डिनर लगवाते हैं और टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा है। सो गाइस, हम लोग अभी थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे आज पब्लिक अभी नहीं है। पब्लिक अभी थी, जस्ट यहाँ से उठ के गए हैं। वीडियोस को देख के लोग नर्वस हो जाते हैं, तो यहाँ से उठ के चले गए हैं वो लोग। सो बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में एंड तक, क्योंकि यहाँ का बफे दिखाने वाले हैं और अच्छे से उसका टेस्ट और सब कुछ बताने वाले हैं। ये बरेली का फर्स्ट बफे शॉप है, यहाँ ये बरेली में पहली बार खुला है बफे और ये उसका पहला ब्लॉग है, बरेली का ही पहला ब्लॉग है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। पब्लिक, अब हम लोग यहाँ पे अंदर आ गए हैं रेस्टोरेंट के और भैया ने बताया था आज काफ़ी वैरायटी बनी हुई है, तो अब हम वैरायटीज दिखाते हैं आपको आज। भैया आप एक बार बता दीजिए क्या क्या है स्टार्टर में? ये मैक्रोनी स्टार्टर में, ये है कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर देख रहे हैं आप कितना थिक है एकदम से। और ये क्या है भैया? सेम है जी। ओके, ये जीरा आलू, ये मेथी आलू है और ये गुलाब जामुन है। आज भी बहुत सारी वैरायटियां हैं। ये क्या है? आज खीरा रायता है, सलाद है और भी। नेक्स्ट डे आपको वैरायटी चेंज, पर डे आपको वैरायटी चेंज मिलेगी। तो आप एक बार यहाँ आइए। रेस्टोरेंट का नाम है देसी फिरंगी, आई लव देसी फिरंगी। तो आप आइए एक बार और यहाँ टेस्ट को ट्राई करिए। और भैया हैं यहाँ पर, भैया सेफ हैं, तो भैया आप ये अच्छे से अच्छा खाना बनाते हैं, तो एक बारी प्लीज प्लीज आप लोग यहाँ आइए और खाना ट्राई कीजिए यहाँ। हम लोग अपनी प्लेट लेते हैं और आइए आज का हम लोग डिनर लगाते हैं। तो मैक्रोनी तो थोड़ा ले लेते हैं, टेस्ट करके बताना है आपको कैसा है। और ये दाल तड़का है भैया ने जो बताया था, ये चाप है, ये चाप है। हाँ, भैया कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, पनीर में और उसमें थोड़ा सा चाप लेते हैं। ये कढ़ाई पनीर है, कितना थिक है आप देख ही रहे हैं और टेस्ट वाइज भी अभी बताएंगे आपको कैसा है। ये जीरा आलू है, सॉरी मेथी आलू। पब्लिक, हमने यहाँ डिनर फिनिश कर लिया है और डिनर बहुत ही लजीज था आज का, जो मेरा पेट पूरा भर गया है। अब हम सब चलेंगे घर की ओर और आप मेरे प्लीज़ आइए। तो पब्लिक, अब हम लोग चलते हैं और यहाँ जो हमारे आसपास लोग बैठे हैं, आप लोग देख रहे हैं कितनी भीड़ लगती है यहाँ पर। देखिए वेटिंग भी चलती है, तो पब्लिक आइएगा आप लोग एक बार यहाँ पर और खाइएगा, टेस्ट कीजिएगा, देखें आप कितनी भीड़ है यहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं और हमारे पीछे जो भैया बैठे हुए हैं उनका एक बार हम रिव्यू लेंगे कि उन्हें खाना कैसा।
सर आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हुए? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, पहली बार आई हूँ। तो इनका कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है ना। अभी मैंने भी टेस्ट किया तो सर बता रहे हैं खाना बहुत ही टेस्टी था, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा मेरे को लगता है इनका ये खाना बर्बाद करने का। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए वैसे भी, और हम लोग को खाना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। भैया आए, भैया ने बताया हाँ अभी डिनर चाहिए। भैया बहुत टेस्टी था डिनर शायद। आज के मेन्यू में क्या क्या था? काफ़ी सारी चीज़ें थी, हेयर ऑयल आई, आठ या नौ चीज़ें थी। ओके 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 ओके। तो भैया आप अपने एक बार हमको प्रॉपर एड्रेस बता दो जाने से पहले। हमारा भी मिनी बाईपास रोड नियर साईं धर्म घाटा, कर्मचारी नगर। कर्मचारी नगर। अभी हम लोग को जाने कहाँ कहाँ पे गूगल मैप आई वी आर आई की तरफ जाने कहाँ कहाँ लेके गया। तो भैया ने जो बताया वो हमको यहाँ का एड्रेस है, और यहाँ पे एक बार आके ज़रूर से विजिट करें, बिकॉज यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है और अच्छी खासी भीड़ रहती है यहाँ पे। पब्लिक, अब हम लोगों ने डिनर कर लिया और हम चलते हैं घर की ओर। डिनर बहुत ही डिलीशियस रहा, और आपको ना मेरा चैनल इत्तू साबी वो दिव्यांशु का मेरे डायलॉग है। दिव्यांशु कहाँ है? दिव्यांशु वीडियो शूट कर रहा है, और भैया का कहने का यह मतलब है अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी मजा आया हो और वीडियो में इतनी सी भी कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो इस चैनल पे आप नीचे लाल करके बटन को दबा के फोड़ दो, तोड़ दो, कुछ कर दो, बस वो दब जाना चाहिए। और फिर आप लोग मेरे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज पब्लिक चलते हैं घर की ओर।